सिर्फ अल्लाह ताला के लिए बगैर किसी सेल्फिश रीजन के अल्लाह के बंदों से प्यार करना और इज्जत और एहतराम से मिलना। हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है और उनकी मखलूक से मोहब्बत करनी है। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज चार लोग पहचानने लगे तो मैं रात सोते वक्त अपनी औकात तो नहीं भूल जाता कि वसीम अमीन साहब आप ये थे और आप कल फिर ही हो सकते हैं। जब मैं आज एक मिनट के लिए भी रुक के सोचता हूँ कि फ्रॉम नोवेयर एंड फ्रॉम नोबडी टू दिस, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन क्लेम कि मैंने किया है, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों, मेरे अंदर से ये आवाज़ क्यों नहीं आती कि ये मैं फिर कर सकता हूँ। अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैं हज पर गया था। हज जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा अब तक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माय लाइफ। जरूर मैं कह रहा हूँ कि है बुलावे की, हर चीज पे वन आ रहा था, वन वीजा, लास्ट वीजा, लास्ट टिकट, दोज आर द साइंस हु बिलीव। कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं आपकी जिंदगी में कि जिसको तो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस के जिसके बारे में आप बहुत कुछ पहले से प्लान करके रखते हैं कि जब पहली नज़र दिखेगी तो आप ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा है पहली मरतबा, आई वॉज ब्लैंक। काबे में पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया, भूल गया, कुछ याद ही नहीं रहता। वो एक दफ़ा का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप जितनी दफ़ा जाएंगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए अनफोल्ड होता रहेगा और खुलता रहेगा, आपको और वेलकम करेगी वो जगह। वहाँ आपको एक मज़ा आता है हज का। अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब ऐबों को छुपाता है ना, इंसान जानता है कि वो कितना गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह ताला मुकल्लिबुल कुलूब भी है, कुलूब को बदलता है, दिल बदलता है। एक आई ओपनर अल्लाह ताला ने शायद अता किया कि मुझे सर्टेन चीज़ें अनहैप्पी करना शुरू हो गई और मुझे खुशी मिलना शुरू हुई इबादत में या जिक्र में। आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट यू गेट लाइफ वंस, यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट Allah, or you want anything that is in the world? Allah Taala ke bahut chunne hue lagte hain mujhe.